लोकसभा में आज सरकार विश्वविद्यालय में टीचर्स नियुक्त रिजर्वेशन से जुड़ा बिल पारित कराने के लिए रखेगी सदन के पटल पर। वहीं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पारित कराने के लिए रखा जाएगा सदन के पटल पर। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी से जुड़ी चुनौतियों का किया जिक्र। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी, जन शक्ति, 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से संकट का भी किया जाएगा समाधान। जल संचयन के लिए एक मुहिम की आज से हो रही है शुरुआत। इस मुहिम में कई जिलों, ब्लॉकों को किया गया है शामिल। पानी का हमारी संस्कृति में है बड़ा महत्व। देश की अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन यादगार बन गया, जब केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी प्रणाली को लेकर आई थी अमल में। जीएसटी के क्रियान्वयन की दूसरी वर्षगांठ पर आज सरकार इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में कुछ और भी सुधार करेगी पेश। आज से शुरू हुए संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान चलेगा 31 जुलाई तक। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले साल ये अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया, उसी तरह इस बार भी इसे चलाया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान का कासगंज में किया गया शुभारंभ। अभियान के माध्यम से जन सामान्य को संचारी रोगों से बचाव हेतु किया गया जागरूक। किश्तवाड़ के करीब एक बस दुर्घटना में 35 लोगों के मारे जाने और एक दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की है खबर। ये दुर्घटना आज सुबह उस वक्त हुई जब यात्रियों से खचाखच भरी मिनी बस केसवान से किश्तवाड़ जाते वक्त गहरी खाई में जा गिरी। पिछले 3 महीने से लंबित बरेली एयर टर्मिनल को 15 दिन के अंदर प्रारंभ करने की कवायद की गई शुरू। इस खबर से शहरवासियों की बंधी है काफी उम्मीदें। बरेली में बीते 10 अप्रैल को एयर टर्मिनल का किया गया था उद्घाटन। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छात्र हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं और छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार है समर्थ। बरेली जिले के 700 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों में अब बच्चों के गुरु कंप्यूटर होंगे और बच्चे ऑडियो विजुअल माध्यम से करेंगे ज्ञान अर्जन। जिले के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के 517 प्राइमरी और 8 माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्टर और कंप्यूटर लगाकर छात्रों को पढ़ाने की है तैयारी। एनईएफटी और आरटीजीएस पर चार्ज खत्म कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक और उसने कहा है कि आरटीजीएस और नेफ्ट के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर लगने वाले चार्ज को आज से किया जा रहा है खत्म। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। गुफा में बाबा बर्फानी के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 15 अगस्त को यात्रा संपन्न होगी। अब तक देश भर से करीब 1.5 लाख श्रद्धालु 46 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के लिए करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के कानून मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा चुनाव के प्रभारी बृजेश पाठक रविवार को अंबेडकर नगर में कार्यकर्ताओं की बैठक में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था है पटरी पर। डॉक्टर यानी चिकित्सक को भगवान का माना जाता है रूप। रोगों का इलाज कर मरीजों को स्वस्थ रखने में उनकी होती है महत्वपूर्ण भूमिका, जिसे सभी डॉक्टर बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं। आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को उनकी सेवा के लिए हम सभी करते हैं नमन। और इंग्लैंड के खिलाफ 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ये मैच हार गई 31 रन से। इस मैच में भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 102 यानी शतक और कप्तान विराट कोहली ने बनाई 66 रन यानी हाफ सेंचुरी।